फ्रेंड वेलकम टू कंप्लीट कोर्स डेस्टिनेशन। सो पिछली क्लास के अंदर हम लोग जो है क्लास सिक्स के चैप्टर एट को डिस्कस कर रहे थे जिसका नाम था बॉडी मूवमेंट्स, है ना। तो सॉरी इस चैप्टर को हम लोग पिछली क्लास से डिस्कस कर रहे हैं और कुछ टॉपिक्स को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था और कुछ को आज कंप्लीट कर लेंगे और बचे हुए टॉपिक्स को अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे और हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। और फिर उसके बाद लास्ट क्लास में हम लोग पूरे चैप्टर को एक ही क्लास में कंप्लीट करेंगे और हमने हमारी पूरे चैप्टर की रिविजन भी हो जाएगी, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। देखो पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने देखा था ह्यूमन स्केलेटन के बारे में डिस्कशन की थी। हमने देखा था दैट ह्यूमन स्केलेटन इज कंपोज्ड ऑफ 305 बोन्स फ्रॉम बर्थ। बाय बर्थ ह्यूमन स्केलेटन के अंदर 305 बोन्स होती है ना। ह्यूमन स्केलेटन के अंदर जो है बर्थ के टाइम 305 बोन्स होती हैं, बट ये 305 बोन्स डिक्रीज हो जाती है टू 206 बोन्स। चाइल्डहुड से लेकर और वी कैन से बाय बर्थ था तो बर्थ से लेकर हम लोग कह सकते हैं एडल्टहुड तक पहुंचते जो ह्यूमन स्केलेटन है उसके अंदर 305 बोन्स से 206 बोन्स हो जाती हैं। बहुत सारी बोन्स जो है फ्यूज हो जाती हैं, फ्यूज कर जाती है एक दूसरे के साथ, इसलिए जो है ह्यूमन स्केलेटन के अंदर 206 बोन्स रह जाती है। तो ये बात हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस की थी। नाउ थिंग इज दैट हाउ डू वी नो द शेप ऑफ डिफरेंट बोन्स ऑफ आवर स्केलेटन। हमारे स्केलेटन के अंदर जो डिफरेंट बोन्स हैं उनकी शेप्स के बारे में हमें किस तरह से पता लगेगा, या फिर हमारी बॉडी के अंदर जो हमारे स्केलेटन के अंदर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में कौन कौन सी बोन, कितनी कितनी बोन्स होंगी, क्या क्या शेप होंगी, तो इस बारे में हमें कैसे पता लगेगा। देखो कुछ तो ऐसी बोन्स होती हैं जिसको जस्ट टच कर हम लोग उनकी शेप का अंदाजा लगा सकते हैं, है ना, या फिर हम लोग टच कर फील कर सकते हैं कितनी बोन्स होगी यहां पर। बट देयर इज अ वे बाय विच वी कुड नो द शेप ऑफ द बोन्स बाय जस्ट सीइंग द इमेज, एक्सरे इमेज ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के एक्सरे इमेज जो होती है उसको देखकर हम लोग पता लगा सकते हैं कि बोन की क्या शेप है, कितनी बोन्स है, ठीक है। सो अब हम लोग कह सकते हैं, so we can say that the x-ray show the shape of the bones in our body। ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि जो एक्सरे होते हैं दैट शोज द शेप ऑफ द बोन्स इन अवर बॉडी। ये हम लोगों को पता चल चुका है कि अगर हमें अपनी बोन की शेप्स देखनी है कितनी बोन्स है कहीं पर, तो हम लोग एक्यूरेट कैसे पता लगा सकते हैं, एक्सरे इमेज को देख करके, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कि एक्सरे इमेज को देख करके हम लोग पता कर सकते हैं। अब ह्यूमन स्केलेटन जो है, ह्यूमन बॉडी है, उसके अंदर कितने टाइप की बोन्स है, बहुत टाइप की बोन्स है, बहुत सारे जो है ज्वाइंट्स आ जाते हैं। थोड़े से हम लोग बोन्स को डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट बोन्स ऑफ हैंड, ओके। सबसे पहले हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे बोन्स ऑफ हैंड्स, हमारे हाथ की बोन्स से, ठीक है, बोन्स ऑफ द हैंड्स। अब देखो अपने हाथ को अगर हम लोग देखें तो हम लोग अपने हैंड को कहां कहां से जो है ट्विस्ट टर्न कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं। देखो अगर फिंगर्स के हम लोग हर ज्वाइंट को देखें, हर ज्वाइंट से हम लोग अपनी फिंगर को जो है टर्न कर सकते हैं, अपनी फिंगर को जो है बेंड कर सकते हैं। तो मतलब कि हमारे बोन, हमारे हैंड के अंदर जो है बहुत सारी बोन्स है। अगर एक बोन होती तो ऐसा पॉसिबल नहीं था ना। अगर हम लोग अपने हैंड के सेंटर में देखें तो भी बहुत सारी बोन्स हमें नजर आएंगी। सो एक्चुअली हमारा जो हैंड होता है इट इज मेड अप ऑफ वैरायटी ऑफ बोन्स, बहुत सारी बोन्स से बने होते हैं, दैट इज कॉल्ड कार्पल्स। क्या कहते हैं बोन्स को, कार्पल्स कह सकते हैं। वी कैन से दैट आवर हैंड इज मेड अप ऑफ सेवरल स्मॉल बोन्स, आवर हैंड इज मेड अप ऑफ सेवरल स्मॉल बोन्स दैट आर कॉल्ड कार्पल्स, ओके। इनको क्या कह दिया जाएगा, कार्पल्स कह दिया जाएगा, हमारे हैंड्स के अंदर जो बोन्स है उनको। सो फर्स्ट हमें पता चल गया हैंड्स की बोन के बारे में। तो अगर देखो अगर हम लोग बात करें हमारे हैंड के अंदर बहुत सारे स्मॉल स्मॉल बोन्स हैं, अगर मान लो स्मॉल स्मॉल बोन्स की जगह पूरे हैंड के अंदर एक ही बोन होती तो क्या होता, क्या हम लोग अपने हैंड को इस तरह से बेंड कर सकते हैं, ऐसे इस तरह से व्रिस्ट बना सकते हैं,
इट्स नॉट पॉसिबल, है ना। तो मतलब कि हमारे हैंड के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी बोन्स है जिनको कार्टून्स कह दिया जाता है। सेकेंड इज द रिब केज। तो रिब केज क्या है, देखो एक काम कीजिए, एक लंबा सा सांस लीजिए और उसे थोड़ी देर के लिए रोक कर रखिए। हम क्या करेंगे, अगर अपने लंबा सा सांस लेंगे और उसको रोक कर रखेंगे तो हम लोग अगर अपनी चेस्ट कैविटी में, चेस्ट के सेंटर में अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग फील कर पाएंगे, चेस्ट बोन को फील कर पाएंगे, बैक बोन को फील कर पाएंगे। उसी के साथ साथ हम लोग देखेंगे कि रिब्स होती हैं जो कि बेंट होगी और हमारी जो रिब्स हैं वो बेंट होकर बैक बोन के साथ ज्वाइंट होगी और एक बॉक्स टाइप के बना रही होंगी और इसी को क्या कह दिया जाता है, रिब केज कह दिया जाता है। जो रिब्स मिलकर एक बॉक्स तरह, बॉक्स की तरह की फॉर्मेशन कर रही है जो कि चेस्ट बोन एंड मतलब चेस्ट की सेंटर बोन एंड बैक बोन से कनेक्टेड होंगी और हमारी जो रिब होती हैं हर साइड में 12 रिब्स होती हैं, 12 रिब्स ऑन ईच साइड, ठीक है, दोनों साइड पर 12 रिब्स होती हैं और यही एक रिब केज की फॉर्मेशन करती हैं। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बैकबोन की बात करें तो उसको भी हम जस्ट टच करके फील कर सकते हैं। हमारे बैकबोन के अंदर 33 वर्टिब्राज होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होकर पूरी बैकबोन की फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। और बैकबोन, चेस्ट बोन एंड जो रिब केज है इससे एक बॉक्स की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हम लोग बैकबोन की बात की कि 33 वर्टिब्राज है जो कि एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर एक बैकबोन की फॉर्मेशन करते हैं, अगर मान लो वो 33 वर्टिब्राज की जगह एक ही बोन से पूरी बैकबोन बन रखी होती तो क्या हम लोग बेंड कर पाते, इज इट पॉसिबल कि हम लोग बेंड कर पाए, नो इट्स इम्पॉसिबल। तो ये जो 33 बोन्स है हमारी बैकबोन के अंदर इसी की वजह से हम लोग बेंड कर पाते हैं, ठीक है। थर्ड आ जाएगा हमारी शोल्डर बोन। सो शोल्डर बोन क्या है, शोल्डर बोन को अगर हमें प्रैक्टिकली देखना है, इसे अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है तो एक काम कीजिए, कोई वॉल होगी, दीवार होगी, वहां पर अपने किसी फ्रेंड को खड़े होकर पुश करने के लिए कहिए वॉल को। जब वो वॉल को पुश करेगा तो उसकी जब हम लोग बैक साइड पर देखेंगे तो हमें 2 प्रोमिनेंट बोन्स दिखेंगी, ठीक है, 2 प्रोमिनेंट बोन्स दिखेंगी जो कि बाहर की तरफ आ रखी होंगी एंड दोज बोन्स आर कॉल्ड आवर शोल्डर बोन। इसी बोन्स को क्या कह दिया जाएगा, शोल्डर बोन्स कह दिया जाएगा, ओके। नेक्स्ट आ जाता है हमारा पेल्विक बोन। तो पेल्विक बोन क्या होती है, देखो हमारी जो स्टमक के नीचे के पार्ट जो होता है हमारी बॉडी का उसको कवर करने का काम करती है हमारी पेल्विक बोन, और पेल्विक बोन ही ऐसी बोन है जिसकी वजह से हम लोग जो है सिट कर पाते हैं, कई बार बैठ पाते हैं, ठीक है। सो दिस इज आवर पेल्विक बोन। देन नेक्स्ट आ जाता है द स्कल। तो स्कल क्या है, हमारा हेड जो है, सिर, हमारा सिर, ठीक है। स्कल जो है बहुत सारी बोन्स से कनेक्टेड होके बना है, बहुत सारी बोन्स से एक दूसरे के साथ ज्वाइंट हुई और हमारी स्कल की फॉर्मेशन करती है। एंड स्कल का क्या काम है, मेन फंक्शन, हमारी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कह सकते हैं, दैट इज ब्रेन। ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करती है हमारी स्कल, ठीक है। स्कल बोन क्या आती है, बहुत सारी बोन्स के साथ मिलकर बनी होती है, बहुत सारी बोन्स ज्वाइंट होती है एक साथ और स्कल की फॉर्मेशन करती है। और स्कल का काम क्या होता है, हमारी बॉडी के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ब्रेन को कवर करके रखने का काम होता है हमारे स्कल का। तो ये हम लोग हमारे जो है स्केलेटन के अंदर हम लोगों ने काफी सारे जो है बोन्स के बारे में डिस्कस किया। हमने बोन्स ऑफ हैंड्स की बोन को देखा, रिब केज को देखा, शोल्डर बोन्स, पेल्विक बोन, स्कल। फिर अब देखो हमारे जो स्केलेटन है इसके अंदर बोन्स के अलावा कुछ और भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, विच इज नॉट एज हार्ड एज बोन। बोन की तरह हार्ड नहीं होते लेकिन हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा बोन की तरह हार्ड तो नहीं होंगे लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, बट इट इज कॉल्ड व्हाट, कार्टिलेजेस, इसको कार्टिलेजेस कह दिया जाता है। व्हाट इज कार्टिलेजेस, पार्ट ऑफ स्केलेटन विच इज नॉट एज हार्ड एज बोन्स। बोन्स की तरह हार्ड नहीं होंगे लेकिन हमारे स्केलेटन के एक इंपॉर्टेंट पार्ट होंगे, इसको क्या कह दिया जाता है, हमें कार्टिलेजेस कह दिया जाता है, ठीक है। लाइक हम लोग अपने ईयर के अंदर देख लें, हमारे कान जो होते हैं अगर इसको हम लोग बेंड कर देखेंगे तो इजिली बेंड हो रहे हैं, इजिली बेंड हो रहे हैं, लेकिन ये बोन की तरह हार्ड नहीं है और बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, इसी को क्या कह दिया जाता है, कार्टिलेजेस कह दिया जाता है। नॉट एज हार्ड एज बोन बट इट कैन बेंड इजिली एंड कैन बेंड इजिली, इसको क्या कह दिया जाता है, कार्टिलेजेस कह दिया जाता है। उसी के साथ साथ जो कार्टिलेजेस होते हैं हमारे बहुत सारे ज्वाइंट्स में भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो कार्टिलेजेस का पता चल गया, बोन्स की तरह नहीं होते हार्ड पर बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं होते हैं, ठीक है, कार्टिलेज।
हो गए, देन मसल्स आ जाते हैं, हमारी लास्ट पार्ट इज मसल्स। मसल्स क्या होते हैं, देखो अपनी रिस्ट जो हमारी है, अपने हैंड को एक बार इस तरह से कीजिए और इसको कॉन्ट्रैक्ट कीजिए इस तरह से। हम क्या, आपने देखा होगा बहुत सारे जो स्पोर्ट पर्सन या फिर जिम वगैरह वाले पर्सन होते हैं वो इस तरह से शो करते हैं, यहाँ पर उनका बहुत ज्यादा मोटा मोटा होता है, ठीक है, बर्स्ट पार्ट होता है, दैट बर्स्ट पार्ट इज एक्चुअली अवर मसल्स, ठीक है, इन्हीं को मसल्स कह दिया जाता है। एंड जो मसल्स होते हैं ये किसकी वजह से बल्ज होते हैं, ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही हमारे मसल्स जो है बल्ज होते हैं। एंड जो मसल्स होते हैं इसको हम लोग कह सकते हैं मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। दे बिकम शॉर्टर, वो शॉर्टर हो जाते हैं, स्टिफर हो जाते हैं, उसी के साथ साथ थिकर हो जाते हैं, एंड इट पुल द बोन्स, ये हमारे जो है मसल्स हो जाते हैं, ठीक है। मसल्स के बारे में हम लोगों ने जान लिया, तो हम लोगों ने क्या क्या देखा, बोन्स ऑफ हैंड, हैंड के बोन्स को देखा कि बहुत सारी स्मॉल स्मॉल बोन्स से बने हुए, दैट इज कॉल्ड कार्पल्स, इनको कार्पल्स कह दिया जाता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि रिब केज क्या है, रिब केज जो है एक बॉक्स टाइप की फॉर्मेशन होती है बहुत सारी बोन्स के साथ, और ट्रायल ट्रायल दोनों साइड पे होती है रिब्स, और बैकबोन के अंदर 33 वर्टीब्राज होते हैं जिसको हम लोग जस्ट टच कर फील कर सकते हैं। शोल्डर बोन्स क्या है, प्रोमिनेंट पार्ट होती है हमारी बैक की, उसी के साथ साथ पेल्विक बोन हमारे लोअर पार्ट जो बॉडी का है उसको कवर करने का काम करते हैं, हम लोग उसके उसी के बेस पर सिट कर सकते हैं। फिर स्कल हो गया, हमारे बॉडी के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट को कवर करने का काम करते हैं स्कल, दैट इज ब्रेन। कार्टिलेजेस क्या है, बोन्स की जैसे हार्ड नहीं है पर बेंड कर सकते हैं, और ये हमारे स्केलेटन के पार्ट है। मसल्स क्या है, मसल्स जो है हमारे बॉडी को मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं, बोन्स को पुल करते हैं, ठीक है, उसी के साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, एंड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही मूवमेंट होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट, हमारी जो भी आज के टॉपिक थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद थोड़ा सा, एक छोटा सा पार्ट रहता है जो हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, थैंक यू फ्रेंड्स।